तो आज है वेडिंग डे, द डी डे। और मैं थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ और मेरा सर दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। शायद मुझे कल मेहंदी लगी थी ना, तो मुझे शायद ठंड बैठ गई, तो मैंने सर पे पहन लिया है ये टोपा की रात के टाइम प्रॉब्लम ना हो मुझे, कि तबीयत खराब ना हो जाए। और मैंने नाश्ता कर लिया है और मेरी छोटी ने हाका नूडल मंगाया है, हम वो भी खा रहे हैं। अच्छा, सुबह तूने मुझे पीटा है? और हाँ, हमारी छोटी सी लड़ाई भी हो गई थी सुबह का छोटी? टाइम। आज इसे इग्नोर मारो। और तो कुछ ही घंटे बचे हैं फंक्शन में, तो मिलते हैं। चाओ, अभी ड्रेस, पूरी ड्रेस लेके जाएंगे हम वेन्यू पे, लहंगे वहंगे, मिलते हैं। जो भी होगा मैं आपको बताती चली जाऊंगी, अपडेट करती चली जाऊंगी। यहाँ पे अभी अरेंजमेंट हो रही है। क्यों ना लो, मेरा मेरी गंदी हालत हो गई। हाँ, सो वी हैव जस्ट रीच्ड आर वेन्यू। हाँ, और हम जा रहे हैं रूम पे रेडी हो। 1 2 3 चुकी है और ये दुल्हन की बहन। तो फाइनली सारा खाना खत्म हो चुका है और ये रहना जयमाला इसकी कंप्लीट हो चुकी है। और अभी हम शादी की तैयारी में, लाइक वो भी बुलाएंगे तो दुल्हन को हम लेके जाएंगे। और किसी ने सच ही कहा है कि शादी वाले दिन दूल्हा दुल्हन एक फ्रॉक की तरह ही होते हैं, सिर्फ फोटो खींच रही होती है, बस मुंह करना है और कुछ नहीं हो रहा है। एकदम थक चुके हैं, मेरे पैर दुख चुके हैं पूरी तरह से, ना ढंग से फोटो आई है मेरी, ना मेरी रील कंप्लीट हुई है। एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई थी इसका, आई मेकअप दोबारा हुआ है, तो जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। और अब रैना का टाइम है। हाँ, और रैना चली जाएगी मुझे छोड़ के, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मेरी लाइट ऑन कर दे। एक तो यहाँ पे लाइटिंग इतनी बुरी है ना, मतलब आप इतना बिजी हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, लिटरली कुछ नहीं कर पा रहे हो। मतलब फोटो पहले हमने मेकअप किया, फिर उसकी रील्स बनी है और उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ किए, फिर हमारे पास फोटोग्राफर आया, उसने इतनी सारी फ़ोटोज़ ली, वो पता नहीं वाली फ़ोटोज़ हैं। 9 बजे हम रेडी हुए हैं, लिटरली 9 बजे हम रेडी हुए। ये तो थोड़ा जल्दी हो गई थी, मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं इसके बाद तैयार हो रही थी। शादी में बिल्कुल वैसा नहीं हो पाता जैसा आप सोचते। मैं सोचा था मैं अपनी रील्स बनाऊंगी, थोड़ा शूट करूंगी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। जब से मैं उठी हूँ और अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ रेडी होकर बस बैठी हूँ, फोटो क्लिक कर रही हूँ। अभी मेरे फेवरों का टाइम होने वाला है, तो अभी लड़के के फोटो, मुझे लग रहा है मेरी रील्स ऐसे ही रहने वाली है। चलो कैसा लग रहा है? थका हुआ फील हो रहा है, पैर वर्क कर रहे हैं और भूख लग रही है, पर मैं पूरी तरह से खा नहीं रही क्योंकि ये लहंगा इतना भारी और कसा हुआ है कि वॉमिट ना हो जाए मुझे थोड़ी देर बाद। लहंगा बहुत प्रेटी है ना? हाँ, बहुत प्रेटी है लहंगा। तो अभी रैना वेट कर रही है अपने बारी की। बाहर मंडप लगा हुआ है, सब कुछ सेट है, फेरे लेने हैं। तो वो टाइम आ चुका है जब रैना हमको छोड़ के जाने वाली है, तो देखते हैं कैसे दिन कटेंगे। बाप रे छोड़ दे, मैं भी जाएंगी।